महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी अब तक 139 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने दोनों सूचियों से पार्टी के कई दिग्गज नेताओं के नाम गायब कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने तो अब पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को भी झटका दिया है। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का नाम भी घोषित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने काफी मंथन के बाद 14 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी सोच रही थी कि इन उम्मीदवारों के जरिए पार्टी की जीत की राह आसान बनेगी, लेकिन पार्टी ने अपनी दूसरी सूची से भी कई नेताओं को निराश कर दिया है। बीजेपी के साथ आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का भी नाम अब तक घोषित नहीं किया गया है, जबकि एक दिन पहले ही नारायण राणे ने दावा किया था कि उनके बेटे नीतीश बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की दूसरी सूची में उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। नारायण राणे ने कहा था कि नीतीश कंकावली सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की जारी इस लिस्ट में नीतीश राणे का नाम नहीं है। साथ ही कांग्रेस और एनसीपी से आए कई पूर्व विधायकों को भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी को अपने नाराज और बाकी नेताओं से निपटना पड़ेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को जारी हुई पार्टी की पहली सूची में भी एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले, प्रकाश मेहता, तारा सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के नाम नहीं थे। खड़से तो पहली सूची आने के बाद अपना नामांकन भी कर चुके हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इन सीटों पर नेताओं की मौजूदा सीटों पर भी अब तक किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम भी घोषित नहीं किया है और अभी नामांकन के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन बचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बगावत और रूठने मनाने का दौर चल सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।